स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो है तो बहुत छोटा लेकिन दुनिया में करोड़ों की आबादी का रोज पेट भरता है, मतलब खाना खिलाता है उन्हें। अगर ये देश ना होता तो शायद दुनिया के कई देशों में भूखमरी की समस्या पैदा हो जाती। फार्मिंग और एग्रीकल्चर के मामले में ये देश दुनिया का सबसे एडवांस देश है। हम भारतीय तो शायद अब तक हम खुद को ही किसानों का देश समझते आए हैं, मगर इस देश ने जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, वहाँ एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी की ऐसी ताकत देखने को मिलती है कि बड़े बड़े सुपर पावर देशों तक को अपनी किसानी से पछाड़ने की ताकत रखता है ये देश, वो भी तब जबकि इस देश के पास जमीन बहुत कम है। दोस्तों हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो है नॉर्थ ईस्ट यूरोप में बसा नीदरलैंड। वही नीदरलैंड जो रशिया से 412 गुना छोटा है और यूएसए से 270 गुना छोटा है, मगर इसका एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट रशिया से 4 गुना ज्यादा है। ये छोटा सा देश इतने बड़े पैमाने पर खेती करता है कि पूरी दुनिया में फूड एक्सपोर्ट के मामले में सेकेंड रैंक पर आ चुका है। ये देश पिछले 500 सालों से लगातार दुनिया में सबसे अमीर देशों में भी शुमार होता आया है। आपको बता दें कि भारत की जमीन नीदरलैंड से 95% से ज्यादा फर्टाइल है, मतलब उपजाऊ है, लेकिन फिर भी नीदरलैंड के एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट की वैल्यू भारत से दुगने से ज्यादा है। जहां भारत का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वैल्यू 45 बिलियन डॉलर्स है, वही नीदरलैंड जहाँ की मिट्टी हमारे भारत से 95% कम उपजाऊ है, उसके एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट की वैल्यू 105 बिलियन डॉलर्स है। आखिर कैसे नीदरलैंड ये करिश्मा करने में सफल हो जाता है, कैसे नीदरलैंड पूरी दुनिया का पेट भर रहा है, कैसे एक छोटे से देश में इतना सारा खाना उगाया जा सकता है, आपके मन में इस तरह के आ रहे कई सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत शानदार और ज्ञान से भरी हुई है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा अंत तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इस देश की इम्पोर्टेंस बताते हैं नीदरलैंड की। पूरी दुनिया की आबादी 2022 के खत्म होते होते 800 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, कैलकुलेशंस और एक्सपर्ट्स की माने तो सन 2058 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन करीब 1000 करोड़ तक पहुंचने के चांसेस है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की होगी तो वो है इतने सारे लोगों का खाना। 1980 से लेकर आज 2022 तक फूड कंजम्पशन दुगना हो चुका है, और ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो हमारी जरूरतें भी बढ़ती चली जाएगी। नीदरलैंड जो कि एक बहुत छोटा सा देश है, वो दुनिया में फूड एक्सपोर्ट के मामले में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जो दुनिया में फूड की बढ़ती हुई डिमांड का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए है, और आगे भी इस देश के द्वारा ही सबसे ज्यादा फूड प्रोड्यूस करने की उम्मीद है। अब ये देश कैसे इतना फूड प्रोड्यूस करता है, कैसे कम उपजाऊ जमीन पर भी इतनी भयंकर फार्मिंग करता है, किस तरह की तकनीकें इस्तेमाल करता है जिससे बेहतर खेती की जा सके, ये सब कुछ नीदरलैंड पूरी दुनिया को सिखा रहा है, साथ ही भारत को भी। तो अगर नीदरलैंड नहीं होगा तो दुनिया फूड प्रोडक्शन के मामले में कई दशक पीछे चली जाएगी, जिससे पूरी दुनिया में भूखमरी की हालत पैदा हो जाएगी। दोस्तों नीदरलैंड में खाने की कमी कभी नहीं आई, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता है। यहाँ तक के वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त जब पूरी दुनिया में पोटैटो फेमाइन मतलब आलू का अकाल पड़ गया था, तब भी ये देश इस अकाल की चपेट में नहीं आया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ हजारों लोग भूखमरी के शिकार हो गए थे, खासकर इस देश का वेस्टर्न पार्ट। उसके बाद यहाँ की सरकार ने ठान लिया था कि नीदरलैंड में फूड प्रोडक्शन को इतना डेवलप करेंगे, इतना एडवांस बनाएंगे कि यहाँ कभी भूखमरी की समस्या नहीं होगी। तब से लेकर अब तक नीदरलैंड के किसान फूड प्रोडक्शन से जुड़ी टेक्निक्स पर लगातार काम कर रहे हैं, और आज ये देश एग्रीकल्चरल तकनीकों में सबसे आगे पहुंच गया है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, सन 1980 में यहाँ 180 टन आलू हर साल उगाए जाते थे, लेकिन आज यहाँ सालाना 560,000 टन आलू उगाए जाते हैं। इससे ही इस देश के एग्रीकल्चरल सक्सेस का अंदाजा लगाया जा सकता है। नीदरलैंड के एग्रीकल्चरल सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ एग्रीकल्चरल एजुकेशन और रिसर्च का है। यहाँ की वैगेनिंगेन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च दुनिया की सबसे बेहतरीन एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन बन चुकी है। यहाँ हमेशा ही एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नई नई रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाता है। दुनिया भर के स्टूडेंट्स यहाँ एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने आते हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट तक एक स्टूडेंट के तौर पर यूनिवर्सिटी में आते हैं। यहाँ के एजुकेशन टेक्निक्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज के तालमेल का ही नतीजा है कि ये कंट्री दुनिया में सब्जियों और फलों की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है।
यहाँ का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस है जो एक्सपोर्ट को बहुत ही ईजी बना देता है। दोस्तों, नीदरलैंड से फूड और एग्रीकल्चरल मशीनरी एक्सपोर्ट करने में रोटरडैम पोर्ट और चिपेल एयरपोर्ट का सबसे बड़ा रोल है। यहाँ से रोजाना फ्रेश फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्रेश फ्लावर्स को आसपास के देशों में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। नीदरलैंड में जमीन भी कम है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी कम है, फिर भी यहाँ सबसे ज्यादा खेती की जाती है। अब यहाँ एक चौंकाने वाली बात ये भी है कि यूरोपियन यूनियन एग्रीकल्चर से जो फंड मिलता है वो फंड भी नीदरलैंड को सबसे कम दिया जाता है, फिर भी नीदरलैंड के नागरिक इतनी एडवांस खेती करने में सफल हो जाते हैं। पूरे यूरोप में कोई भी किसान यूरोपियन एग्रीकल्चरल सब्सिडी के लिए अप्लाई करता है तो उसके खेतों को पहले वैगनिंगेन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च और गवर्नमेंट द्वारा एग्जामिन किया जाता है। दोस्तों, नीदरलैंड में एग्रीकल्चरल लैंड पर वैगनिंगेन यूनिवर्सिटी की हमेशा नजर होती है ताकि वहाँ जो सोर्सेस अवेलेबल है उनका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सके और जो लिमिटेड सोर्सेस है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। यहाँ के किसानों को हमेशा ही अपने फार्म्स में ड्रोन लगाकर रखने पड़ते हैं और उनका डेटा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स को देना पड़ता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग रिसर्चर्स इनके फार्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनके फार्म्स के लिए क्या बेस्ट है, कौन सी फसल किस जगह पर होनी चाहिए, किस मौसम में और कितने पानी में और कितनी सनलाइट में बेस्ट और हेल्दी तरीके से खेती हो सकती है। ये सारी जानकारी रिसर्चर्स ही प्रोवाइड करते हैं जिससे वहाँ के किसानों को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। इससे नेचर कंजर्वेशन और एग्रीकल्चर बहुत आसान हो जाता है। यहाँ की खेती में ड्रोन्स और रोबोटिक मशीन्स की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। यहाँ के ट्रैक्टर्स भारत के ट्रैक्टर्स जैसे नहीं है। यहाँ के ट्रैक्टर्स कई तरह के होते हैं जो फसल लगाने में, बुआई करने में, जुताई आदि करने में माहिर है। यहाँ किसानों को बस इन्हें मॉनिटर और ट्रैक करना होता है, बाकी सारा काम इन एडवांस मशीनों से ही किया जाता है। इन मशीनों में क्रूड पहले से ही डाल दिया जाता है, फिर यह मशीनें फार्म्स पर अपने आप काम करती रहती है और अगर कोई रुकावट आती है तो ये वही रुक जाते हैं। इनके रुकते ही किसान जो इन्हें ऑपरेट कर रहे होते हैं उनके फोन पर मैसेज पहुंच जाता है। यहाँ सेंसर रोबोट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। जब भी फसलों को ज्यादा पानी की जरूरत होती है तो ये रोबोट्स फसलों तक खुद ही पानी पहुंचा देते हैं। नीदरलैंड में फसलों को LED लाइट्स की मदद से भी उगाया जाता है। इससे हर साल 90,000 यूरोस की बचत होती है, लगभग 7 करोड़ भारतीय रुपयों की। नीदरलैंड में ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर भी बहुत आम बात है, खासकर सर्दियों के मौसम में। यहाँ के ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर की खास बात ये भी है कि यहाँ केमिकल पेस्टिसाइड्स और पोल्ट्री में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कम से कम ही किया जाता है, जिसे पूरी तरह खत्म करने पर भी रिसर्च चालू है। दोस्तों, नीदरलैंड की एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे है कि चाइनीज गवर्नमेंट भी अपने बेस्ट स्टूडेंट्स को यहाँ एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने भेजती है। ऐसा बरसों से होता आ रहा है। चाइना में नीदरलैंड के डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग सबसे ज्यादा है। भारत सरकार भी अब नीदरलैंड के साथ एग्रीकल्चरल की फील्ड में कोलैबोरेट कर रही है, जिससे आने वाले समय में भारत में एग्रीकल्चर का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत को कितना समय लगेगा नीदरलैंड जितना एग्रीकल्चरल एडवांस देश बनने में? और हमारे पास एक एडवांटेज भी है कि हमारी जमीन नीदरलैंड के कंपेयर में 95% ज्यादा उपजाऊ है और भारत का फार्मिंग लैंड एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है। आप अपने सुझाव कमेंट्स में कर जरूर बताएं और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें, ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।